हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अगर उनको इंग्लिश में बोलना है तो हम कैसे उनको बोलेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स के तौर पे यूज करेंगे। जैसे हमारा पहला स्ट्रक्चर है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का हम यूज करते हैं तब जब हम शौकीन का सेंस देते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ, या किसी ने बोला कि वह गाना गाने का शौकीन है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं यूज किए जाते हैं उनके लिए हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। तो अगर फॉन्ड ऑफ का यूज करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले हैं। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आएगा, देन इज आई मार, फिर फॉन्ड ऑफ आएगा, फिर वर्ब का आईएनजी एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैंने बोला कि मैं चाय पीने का शौकीन हूं, तो इसको मैं कैसे इंग्लिश में बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के लिए हमने आई लिखा, देन आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम। एम आएगा, देन हम जो वहां पर लिखा हुआ है फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ लिखने वाले, देन वर्ब का आईएनजी आएगा और वर्ब क्या है, चाय पीना। तो चाय पीने के लिए हम क्या लगाते हैं, टेक लगाते हैं, और टेक में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग, देन फाइनली आपका टी। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या हुआ कि आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। इसी तरह हम बहुत सारे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि तुम पढ़ाने के शौकीन हो तो क्या बनेगा, यू आर फॉन्ड ऑफ टीचिंग। जैसे किसी ने बोला कि नेहा गाना गाने के शौकीन है तो क्या बनेगा, नेहा इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। या किसी ने बोला कि मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूं तो क्या बनेगा, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। या फिर और बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करें। जैसे किसी ने बोला कि इसको खाना बनाना पसंद है तो क्या बोलेगा, कि आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। इसी तरह इसको हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। पास्ट में जाएंगे तो जैसे मैंने बोला कि मैं मीन्स डांस करने का शौकीन था तो क्या बनेगा, आई वॉज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। इसी तरह हम फ्यूचर में जाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे मैंने बोला कि तुम ताजा खाना खाने के शौकीन हो जाओगे तो क्या बनेगा, यू विल बी फॉन्ड ऑफ ईटिंग फ्रेश फूड। थैंक यू।